हाँ जी बेटे, नाउ अभी तक हमने तीन डिफरेंट केसेस पढ़े हैं, और तीन डिफरेंट केसेस में एक चीज़ हमने कॉमन पढ़ी है, और वो कॉमन क्या चीज़ पढ़ी है कि व्हेन द अमाउंट हैड बीन विड्रॉन बाय द पार्टनर दैट द टाइम इंटरवल विल बी सेम इधर एट ऑन अ मंथली बेसिस और ऑन क्वार्टरली बेसिस और ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस, एज वेल एज वन मोर थिंग वॉज कॉमन, वो क्या कॉमन थी, द अमाउंट शुड बी सेम। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो पार्टनर है वो एक पर्टिकुलर डेट का इंतजार करेगा कि मंथली बेसिस, मंथ के बेसिस पर मैं विड्रॉ करूं, या क्वार्टर आएगा तब मैं विड्रॉ करूं आफ्टर अ 3 मंथ्स, और उसके बाद अगर हाफ ईयरली कंप्लीट हो या बिगनिंग हो या एंड हो तब मैं विड्रॉ करूं। देन उस कंडीशन के अंदर बेटे हमने डिफरेंट केसेस की ट्रांजेक्शन्स और डिफरेंट केसेस के अंदर इन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की वैल्यू कैलकुलेट की। नाउ अब जो पार्टनर है वो कहते हैं मैं कभी भी अमाउंट विड्रॉ करना चाहता हूँ और कभी भी कोई भी अमाउंट विड्रॉ करना चाहूँ मैं इजीली विड्रॉ कर सकूँ। देन उस कंडीशन में बेटे हमारा एक नया केस आता है, व्हेन द ड्रॉइंग्स आर मेड बाय द पार्टनर ऑफ द फर्म्स एट अ डिफरेंट टाइम इंटरवल और माइट बी देयर अमाउंट कुड बी सेम और कुड बी अ डिफरेंट वन। और उस कंडीशन में बेटे हम जो यूज़ करते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट मेथड। एंड रिमेंबर इन प्रोडक्ट मेथड वी यूज़ अ टाइम पीरियड ऑन अ मंथली बेसिस, तो मंथली बेसिस का मतलब हमारा यहाँ पर क्या है, 1/12 ईयर। सो डिफरेंट टाइम इंटरवल और माइट बी द टाइम द अमाउंट कुड ऑल्सो बी द डिफरेंट वन। सो यहां पर बेटे हम हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर द पार्टनर्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ राम इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट 6% पर एनम। और ये राम की कुछ बेटे डिफरेंट ड्रॉइंग्स हमारे को दे रखी हैं उसका टाइम पीरियड के साथ। तो फर्स्ट ड्रॉइंग उसने कब मेड की है, 1 अप्रैल को 2000 रुपीज। नेक्स्ट ड्राइंग उसने मेड कब किया है, 30 जून को 4000 रुपीज। नेक्स्ट ड्राइंग ही हैड मेड ऑन 1 अक्टूबर 8000। नेक्स्ट ड्राइंग ही हैड मेड ऑन 1 जनवरी 6000। एंड लास्ट ड्राइंग ही हैड मेड ऑन 31 मार्च 10000। तो बेटे प्रोडक्ट मेथड हमारा क्या कहता है कि जितना टाइम पीरियड आप पर्टिकुलर ड्राइंग्स का यूज कर रहे हैं, अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, उतना टाइम पीरियड हम उसको कंसीडर करते रहते हैं। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कैलकुलेशंस के लिए, कितना टाइम पीरियड वो यूज कर रहे हैं एक अमाउंट को विड्रॉ करते टाइम। तो फर्स्ट विड्रॉल ही हैड मेड ऑन 1 अप्रैल 2000 रुपीज। तो बेटे 1 अप्रैल से लेकर मार्च तक उसने कितने मंथ्स यूज किए होंगे, यहां पर पूरे 12 मंथ्स। नेक्स्ट वन, ही मेड द सेकेंड विड्रॉल ऑन 30 जून। तो जून तक का टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो 1 जुलाई से लेकर मार्च तक टाइम पीरियड कितना आ गया हमारा, 9 मंथ्स। नेक्स्ट विड्रॉल कब कर रहा है वो, 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने मंथ्स उसने यूज किए, 6 मंथ्स। नेक्स्ट विड्रॉल ही हैड मेड ऑन 1 जनवरी। तो जनवरी से मार्च उसने कितना अमाउंट विड्रॉ किया बेटे, 3 मंथ्स। एंड लास्ट विड्रॉल ही हैड मेड ऑन 31 मार्च। तो बेटे मार्च से मार्च कोई अमाउंट टाइम पीरियड उसने यूज नहीं किया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज जीरो। अब यहां पर हमने क्या कैलकुलेट करना है बेटे, यहां पर वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम बिकम्स योर प्रोडक्ट। सो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 12 इट बिकम्स योर 24000, 4 × 9 36000, 8 × 6 48000, 6 × 3 18000, 10 × 0 becomes 0, so make the total, it becomes your 1,26,000. Now, how could we calculate interest on drawings? So, interest on drawings for Ram will be, but the amount is 1,26,000. We have assumed that interest on drawings will be charged at 6% per annum, so 6/100. Because it is a product method, that's why we will use average time period as 1/12. So it becomes your 1/12. And when you make the calculation of it, so the answer you will get as rupees 630 rupees. So 630 will be the part of your interest on drawings for RAM. So this is again very easiest one case. Just we have to remember only the average time period. So in a product method, we use average time period as 1/12. In this particular condition,
or in this particular case, remember again, I am just discussing whatever the amount is given to us, what is the date will be given to us. First one, calculate the time period, multiply the amount by time, whatever we have used, make the product of it, make the total of it, it becomes your total product, sum total of the products. So this amount will be used for calculation the interest on drawings. So total drawings will be 1,26,000. Rate of interest is given as 6%. Average time period is 1/12 and interest on drawings will be 630 rupees. So this is the case as per product method. So now bete, one more case I am just going to discuss with you. अभी तक हमने चार डिफरेंट केसेस पढ़े. नंबर वन, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड ऑन मंथली बेसिस, ऑन क्वार्टरली बेसिस, ऑन हाफ ईयरली बेसिस, एंड एट लास्ट वी हैड डिस्कस्ड व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड ऑन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, और माइट बी द अमाउंट कुड बी सेम और कुड बी द डिफरेंट वन. सो नाउ वन मोर केस विल बी देयर. अब जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस का ओनर है वो एक पर्टिकुलर डेट्स का इंतजार करे. माइट बी ही कुड विदड्रॉ द अमाउंट एट वंस फॉर द होल ईयर. तो अगर पूरे साल का अमाउंट जो बिजनेस का ओनर है एक ही बार विड्रॉ करता है, उस कंडीशन में जस्ट रिमेंबर वी यूज द एवरेज टाइम पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ 6 months बेसिस. सो नेक्स्ट केस इज व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट वंस फॉर द होल ईयर. Then average time period will be for 6 months basis and convert it into year, it becomes your 6/12. Now I am just taking an hypothetical example here. For example, Ram and Shyam are partners, withdrew rupees 1 lakh and rupees 80,000 respectively for their personal use. If rate of interest on drawings charge at the rate 6% per annum, calculate interest on drawings. So but this is just merely the simple question or hypothetical example. Ram and Shyam are the partners, they withdrew rupees 1 lakh. 1 lakh has been withdrawn by Ram and rupees 80,000 has been withdrawn by Shyam for their personal use. Now rate of interest on drawing is charged at the rate of 6% per annum. Now we have to calculate interest on drawings for both the partners. So how could we calculate interest on drawings for both the partners? Interest on drawings for Ram, it will be 1 lakh is an amount of drawings, rate of interest is given as 6% and average time period will be considered for 6/12. So the answer will be better rupees 3000. Same it is for Shyam. When you will do calculation, the interest on drawings for Shyam will be 80,000 he had withdrawn, rate of interest is 6%, time period, average time period will be 6/12. So the your answer will be rupees 2400. So remember one thing, when the total amount of drawing is given, in that case the average time period will be considered for 6 months basis. So total drawings multiplied by rate multiplied by average time period. Okay bete, now till now we have discussed the different methods for calculating interest on drawings. So this is the crux of this chapter. So this will be the easiest way to remember, because at the time of examination there are two
things we have to be remembered, that smart work we have to use. Smart work is just remembering this concept, and hard work to understand the basic concept. How did we calculate these values? हमने किस तरह से calculate किए? तो जब आप different questions को different ways के अंदर करेंगे या जो हमें methods given है उसके accordingly करेंगे, then उस condition में it will be easier for you to understand this concept. और इसको एक आप एक जगह कहीं पर लिख लीजिए और उसको जो भी आपका स्टडी टेबल है या जहाँ भी आप बैठते हैं वहाँ पर पेस्ट कर लीजिए. आते जाते दो चार दफ़ा जब आप देखेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू अगेन टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट, बिकॉज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसके अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारा आता है इधर इन द फॉर्म ऑफ 4 marker और 6 marker कुड बी आज, उस कंडीशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पार्ट जरूर पूछा जाता है और माइट बी 1 marker क्वेश्चन कुड बी आज और सेपरेट 3 marker क्वेश्चन कुड बी आज फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टॉपिक इन फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म. सो दिस इज द इजिएस्ट वे, अगेन आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद यू. हम यहाँ टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं बेटे, बिगनिंग मिडल या एंड के अंदर हम विड्रॉ कर रहे हैं. इफ ड्राइंग्स आर मेड ऑन मंथली बेसिस and drawings are made in the beginning of each month, then average time period is 13/24 year. अगर middle में withdraw कर रहे हैं बेटे amount को, then 6/12 years. और at the end of each month अगर amount withdraw किया जा रहा है partners के through, then average time period will be 11/24 year. Now अगर हम quarterly basis पर amount withdraw कर रहे हैं, एक साल में 4 quarter है, हर 3 महीने के बाद amount को withdraw किया जा रहा है, तो in the beginning of each quarter अगर amount withdraw किया जा रहा है तो average time period will be 15/24 year. इफ मिडल में विड्रॉ किया जा रहा है क्वार्टरली बेसिस पर तो 6/12 year, और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है बेटे तो 9/24 year. नाउ द लास्ट नेक्स्ट वन केस व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस, या तो इन द बिगनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर होगा या इन द एट द एंड ऑफ द ईच हाफ ईयर होगा. इफ द ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली बेसिस देन एवरेज टाइम पीरियड विल बी 18/24 year और यू कुड से 9/12 year. और इसको दोबारा से रेशनलाइज कर लीजिए तो इट बिकम्स योर 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 3 by 4 year. दिस इज जस्ट मेयरली द सिंप्लीफिकेशन. और अगर ड्राइंग्स कब मेड की जा रही है एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर देन एवरेज टाइम पीरियड विल बी 6/24 year और यू कुड से 3/12 year. और अगर इसको भी रेशनलाइज अगर हम कर लें तो 1/4 year. तो इट डिपेंड्स अपॉन अ क्वेश्चन. समटाइम्स 1 marker क्वेश्चन कुड बी आस्क, फॉर एग्जाम्पल पेपर में पूछा जाता है आपसे कि वट विल बी द एवरेज टाइम पीरियड ऑन मंथली बेसिस. रिमेंबर वन थिंग, what will be the average time period when the drawings are made on in the beginning of each month and you have to calculate the amount on monthly basis. तो बेटे यहाँ पर हमने क्या calculate किया, 13/24 year. जब हम year से पहले की value calculate कर रहे हैं तो यानी कि अगर आपको याद हो तो जब हमने कभी calculations करी थी तो value हमारे पास आई थी 13/2 months. हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो 2 × 12 इट बिकम्स 13/24 year. अगर वो मंथ में पूछ रहा है देन यू विल हैव टू राइट 13/2 months, और अगर वो ईयर में पूछ रहा है तो 13/24 year. तो क्वेश्चन के जो मैथ जो क्वेश्चन है वर्ड किस तरह से वो फ्रेम किया जा रहा है पेपर सेटर के थ्रू, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए चीज़ों को समझना. और जहाँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई तो उन आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत सिंपल सी लगेंगी. नाउ ये 3 चीज़ों के बाद बेटे हमने नेक्स्ट पढ़ा था प्रोडक्ट मेथड. व्हेन टाइम पीरियड माइट बी अ डिफरेंट और द अमाउंट कुड बी अ डिफरेंट और बोथ कुड बी अ डिफरेंट, उस कंडीशन में बेटे हम जो एवरेज टाइम पीरियड लेते हैं 1 month के बेसिस पर लेते हैं और उसको जब हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं इट बिकम्स योर 1/12 year. और लास्ट केस बेटे हमने डिस्कस किया है व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड एट वंस, पूरे साल की ड्राइंग्स हम एक ही बार कर रहे हैं विड्रॉ कर रहे हैं, देन उस कंडीशन में बेटे हमारा एवरेज टाइम पीरियड कितना आता है 6 months के बेसिस पर. और उस कंडीशन में जब आप इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो इट बिकम्स योर 6/12 year. तो ये पूरे का पूरा टॉपिक था बेटे हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का. बुक के क्वेश्चंस जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, किसी भी राइटर की बुक को फॉलो कर रहे हैं, रिमेंबर उनके क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके देखिए. और अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में कहीं डाउट है तो बेटे आप उस डाउट को सेंड कीजिए एंड आई विल ट्राई टू बेसिकली गिव द सॉल्यूशन एज वेल एज try to solve your doubt also. Thank you so much.